हम इतना सारा फालतू में लेके घूम रहे तो हॉस्पिटल में इलाज भी नहीं होता, एम्स में ऐसे फालतू हॉस्पिटल तो कभी भी इधर आने ही मत। मेरे पापा की ऐसी हालत हो चुकी है, उनका ऑपरेशन होना है, तभी भी मार्च से घुमा रहे वो लोग, हमें बोल रहे कि पहले 1200 रुपये दो, 100 रुपये दो, इतने ये पूरा भर चुका है टाटा चौ से। पर हमें सीटी स्कैन के जगह ये सीटी स्कैन दिया उनने, पर सीटी स्कैन के जगह उनने कुछ भी नहीं दिया, खाली निकला पूरा सीटी स्कैन, पूरा सीटी स्कैन खाली निकला, कुछ भी नहीं मिला। रिपोर्ट पूरी इतनी मोटी हो चुकी है, पर तभी भी यहाँ पे कुछ होता नहीं है काम, ये पूरा एम्स है। सीटी स्कैन के लिए हम लोग महीनों से भटक रहे हैं। पापा से पूछते कैसा रहूं, मुझे क्या चलते फिरते नहीं बनता है, और मैं एम्स में बार बार चक्कर लगा रहा हूँ तीसरे महीने से, लॉकडाउन बीच में आ गया था, लेकिन इन्होंने बोला था कि एक सीटी स्कैन हम दे देंगे, लेकिन अभी 3 महीने हो गए मुझे सीटी स्कैन नहीं मिला एम्स में, और इन्होंने मुझसे बोला कि अब सीडी लिया बाहर से तो हम आपको बना के दिए थे दूसरा, लेकिन उन्होंने अभी सीडी ला के भी दी जब भी वो बना के नहीं दी, और अब हमसे 500 रुपये और मांग रहे हैं, ये 500 करके 1000 रुपये हमसे मांग रहे हैं। अब बोल रहे कि अब काम होगा कि नहीं ये हमें पता नहीं, आप तो पैसे दो। तो आपने सुना कि कैसे है एम्स में इलाज वगैरह, कुछ भी होता नहीं है यहाँ का, बस फालतू में बना के रखा हुआ टूर। तभी पापा का पैर का ऑपरेशन होना है, तभी भी इतनी लेट कर दिए पूरे पैर, 4 महीने में और हड्डी घुसते जा रही है, और कुछ इलाज है नहीं इस एम्स में। तो अभी हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं और देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो चलो हम चलते हैं।